हेलो पेरेंट्स, सो कैसे हैं आप सर? सो वेलकम टू माय चैनल। सो पेरेंट्स, टुडे एक्टिविटीज सॉरी इन टुडेज वीडियोस आई शेयर सम एक्टिविटीज व्हिच आर ब्रेन बूस्टर एक्टिविटीज। ओके, तो ये 3+ ईयर्स के बच्चों के लिए है एंड मैंने इसमें सिर्फ टू एक्टिविटीज ही डाली है। सिर्फ टू एक्टिविटीज डालने का रीजन मेरा ये है कि मैंने हर एक्टिविटी को समझा के फिर उसके ऊपर एक वर्कशीट बनाई है, मीन्स उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस डाले हैं। क्या होता है कि मैं एक्टिविटी तो आपको एक वीडियो में 10 भी समझा सकती हूँ, लेकिन फिर क्या होगा, आप एक्टिविटी देखेंगे, अपनी तरफ से आप क्वेश्चंस बनाएंगे, बच्चों को देंगे, उसमें आपका टाइम जाता है एंड आई नो यू पीपल आर वर्किंग। ओके, तो जिससे कि आपका टाइम ना खराब हो, आपका टाइम कम लगे, तो मैंने ही ऑलरेडी कुछ वर्कशीट्स एक्टिविटीज के ऊपर बना के दिए हैं, जिससे कि आप हर एक्टिविटी को समझे और अपने बच्चे को वर्कशीट दें करने के लिए। तो इसी में मैंने क्वेश्चंस डाले हैं, इसी ही वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चंस डाले हैं। आपको अलग से मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आप लोगों की तरफ से मेहनत की है। ओके, सो ये जो एक्टिविटी है ये 3+ ईयर किड्स के लिए है एंड दिस इज ब्रेन बूस्टर एक्टिविटीज एंड मुझे पूरी होप है, पूरी आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, आपको तो एक्टिविटीज बहुत अच्छी लगेंगी। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द एक्टिविटी नंबर 1। सो गाइज, इस एक्टिविटी में क्या है, इस एक्टिविटी में जैसा आप हेडिंग पढ़ पा रहे हैं, सेलेक्ट फ्रूट दैट इज येलो एंड मैनी इन नंबर। ओके, वो फ्रूट सेलेक्ट करो जो कि येलो हो और ज्यादा नंबर में हो। ओके, तो आप इसको अपने बच्चे को कैसे समझा सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनको इतना उनका माइंड डेवलप नहीं होता, उन्हें करना पड़ता है। ओके, तो आप इस जो एक्टिविटी को है बच्चों को कैसे समझा सकते हैं, लाइन वाइज समझाइए। सबसे पहले जैसे मैंने क्वेश्चन में लिखा है सिलेक्ट फ्रूट दैट इज येलो, सबसे पहले तो आप यही फेज उनसे सॉल्व करवाइए कि पहले तो आप सबसे पहले येलो फ्रूट ढूंढो कौन सा है। वो बोलेंगे ये वाला है, मैंगो और बनाना। ओके, फिर आप उनसे बोलो कि इसमें मैनी नंबर किसका है, तो वो बोलेंगे बनाना। सो द एक्टिविटी इज सॉल्व, उनके लिए ये लेवल काफी है। ओके, तो ये मैंने एक एग्जाम्पल डाला है, इस एग्जाम्पल दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटी नंबर 1। इस एग्जाम्पल के ऊपर मैंने आगे कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, कुछ एक्टिविटी क्वेश्चंस बनाए हैं, वर्कशीट के प्रैक्टिस शीट प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, तो आप अपने बच्चों को वो क्वेश्चंस दीजिए प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, तो मेरी भी आगे वीडियोस ऐसी ही होंगी, एक्टिविटीज प्लस उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे, जिससे कि आपको ना परेशान होना पड़े। ठीक है, तो जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि येलो कलर का फ्रूट जो कि बहुत ज्यादा नंबर में है, तो दैट इज थर्ड फोर्थ वन बनाना। सो ठीक है, इस एक्टिविटी के ऊपर ये क्वेश्चंस कुछ मैंने डाले हैं, वो एग्जांपल था वो भी कराइए। ये है सिलेक्ट वेजिटेबल दैट इज सिंगल एंड राउंड शेप, तो सबसे पहले तो उनको सिंगल ही ढूंढने के लिए कहिए कि वो वेजिटेबल जो सिंगल है वो बताइए, तो वो बोलेंगे सेकेंड कॉलीफ्लावर एंड फोर्थ कैरेट। अभी राउंड शेप में बोलिए उनको कौन सा है, सिंगल है और जो राउंड भी है, तो बोलेंगे कॉलीफ्लावर। जैसे फर्स्ट फिगर अनियन की है, ये राउंड तो है लेकिन सिंगल नहीं है, सेकंड राउंड भी है सिंगल भी है, तो सेकंड वन इज एन आंसर। थर्ड राउंड भी है लेकिन सिंगल नहीं है, फोर्थ सिंगल है लेकिन राउंड नहीं है। ठीक है, तो उनसे थोड़ा थोड़ा सॉल्व करवाइए, पहले तो आप उन्हें सिंगल ही ढूंढने के लिए बोलिए, फिर बोलिए कि अब इनमें से बताओ राउंड कौन सा है, आपको दोनों चीजें ढूंढनी है। ठीक है, तो इस तरीके से वो ये एक्टिविटी सॉल्व करेंगे। अ थर्ड वन, सिलेक्ट बॉय वेयरिंग येलो टी शर्ट एंड वेयरिंग अ कैप। बच्चों को बोलिए सबसे पहले तो वो येलो टी शर्ट वाले लड़के को ढूंढेंगे, वरना वो कैप वाले को सीधा ढूंढेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले येलो टी शर्ट किसने पहनी है, सेकेंड वन एंड थर्ड वन। अब सेकेंड एंड थर्ड में कैप किसने पहनी है, थर्ड वन, सो थर्ड वन इज अ आंसर। ओके, पहले उनसे ही पहला फेज सॉल्व करवाइए, फिर दूसरा सॉल्व करवाइए। ठीक है, अगर आप दूसरा पहले सॉल्व करवा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, कैप दोनों पहना है, इसी हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगेगा। नंबर फोर्थ, सेलेक्ट गर्ल वियरिंग ब्लू ड्रेस एंड येलो शूज, वो लड़की बताइए इन चारों में से जिसने ब्लू ड्रेस पहनी है प्लस येलो शूज पहने हैं। तो जैसे मैंने पहले आप बोला कि आपसे ब्लू ड्रेस वाली ही ढूंढ लीजिए, ये ब्लू ड्रेस पहनी है और फिर येलो शूज यही पहनी है, तो नंबर वन इज एन आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको, आप चाहे तो मेरी वॉइस म्यूट कर सकते हैं या वीडियो पॉज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन दिखा दीजिए उनको, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्टिविटी नंबर 1। वो ट्रांसपोर्ट बताओ जिसमें टू व्हील्स हैं और जो लड़की चला रही है, द गर्ल सिटिंग ऑन इट।
इसमें थ्री है तो ये तो होगा ही नहीं, इसमें टू है लेकिन लड़की नहीं चला रही है, इसमें टू है लेकिन लड़की चला रही है, ये तो फोर व्हीलर है तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो कौन सा आंसर है? दिस वन इज एन आंसर, थर्ड वन। सेलेक्ट बेलून्स विद सेम कलर। ओके, तो मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी डाला है बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, मैंने इसमें बैलून की बैलून भी डाल दी और बॉल्स भी डाल दी है। ओके, कि देखते हैं बच्चे बैलून और बॉल आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि नहीं। तो ये थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन लगा मुझे बनाना। तो वो बैलून बताने हैं जो सेम कलर में है, तो ये तो सीधी बात है बॉल है, तो वो देखो आइडेंटिफाई करते हैं कि नहीं, उनका माइंड देखिए, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ये बैलून है लेकिन सेम कलर्स में नहीं है, तो ये भी नहीं। ये बॉल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में। अब वो बच्चे बॉल समझते हैं बलून समझते हैं, वो बच्चों की समझ के ऊपर है, इस यही ब्रेन बूस्टर है, इस तरीके की ही क्वेश्चंस। ठीक है, ये बलून है जो कि सेम कलर्स में है, तो नंबर फोर इज एन आंसर। नाउ मूविंग टूवर्ड द एक्टिविटी नंबर टू। ओके, सो कंप्लीट द एनालॉजी एंड सर्कल द करेक्ट आंसर। अब ये इस एक्टिविटी में क्या है कि मैं आपको ये समझाती हूँ पहले, जैसे कि ये इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, ये एनालॉजी ये है कि ये हैन है और ये हैन कूप में रहती है। ओके, तो नीचे क्या है? डक है, तो डक कहाँ रहती है? तो मैंने नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है, तो क्या आपको बच्चों को बताना है कि डक कहाँ रहती है? इन तीनों में से देखकर बताओ। अब उन लाइक डक नेस्ट में रहती है? नो। डक पोंड में रहती है वाटर में? यस, डक पोंड में रहती है, तो नंबर टू इज एन आंसर। क्या डक बी हाइव में रहती है? नहीं। तो इस तरीके से उन्हें इनके नाम भी याद होंगे कि ये नेस्ट है, ये पॉन्ड है, ये बी हाइव है, तो बताओ उनको पॉन्ड में रहती है। ओके, तो डक लिव्स इन अ पॉन्ड, तो ये सेकेंड वन इज एन आंसर। तो ये जो एक्टिविटी नंबर टू है, ये एनालॉजी कंप्लीट करनी है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने इस एक्टिविटी के ऊपर डाले हैं। सो ये नंबर वन है एक्टिविटी नंबर टू का प्रैक्टिस शीट बच्चों का। आप ये स्लाइड दिखाइए, मतलब ये वाला मेरा वीडियो का ये पोर्शन आप कट कर लीजिए या पॉज कर लीजिए, आपके ऊपर है। बनाना येलो कलर का होता है, तो एप्पल किस कलर का होता है? ग्रीन? नो। ब्लू? नो। यस, रेड। ओके, सो रेड इज एन आंसर। नंबर थर्ड फिगर इज एन आंसर, रैबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैबिट कैरेट खाता है तो काओ क्या खाती है? तो ये कुछ ऑप्शंस है, क्या काओ ग्रास खाती है, फ्लैश खाती है, फ्रूट्स खाती है? यस, काओ ग्रास खाती है, तो नंबर वन इज एन आंसर। तो बच्चों को क्या करना है, आपको ये दिखाना है, मेरी वॉइस आप पॉज कर देना उस टाइम, बच्चों को ये क्वेश्चन दिखाओ, बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब समझाओ इसको कि रैबिट कैरेट खाता है तो काओ क्या खाता है, इनमें से देख कर बताओ, खुद बताएंगे। हम बैट बॉल खेलते हैं तो ये कॉम्बिनेशन है, बैडमिंटन के साथ हम किस चीज से खेलते हैं? फुटबॉल के साथ खेलते हैं बैडमिंटन? नो। टेनिस बॉल? नो। शटल कॉक? यस, तो नंबर थ्री इज एन आंसर। एंड दिस इज अनदर क्वेश्चन ऑफ एक्टिविटी नंबर टू। दिस इज अ पुलिस। पुलिस के पास क्या होता है? गन होता है, बच्चों को पता है। डॉक्टर के पास क्या होता है? ये एग्जाम्पल्स दिए हैं नीचे, पूछो उनसे क्या होता है, क्या इंजेक्शन होता है, ब्रूम होता है, या वो होता है? नाम भी याद होंगे बच्चों को कि झाड़ू को ब्रूम कहते हैं, इसको वो कहते हैं, इसको इंजेक्शन कहते हैं, तो इस तरीके से आपको बोलना भी है बच्चों के साथ। तो डॉक्टर ऑब्वियसली इंजेक्शन यूज करता है, तो यह क्वेश्चन मार्क पे इंजेक्शन आएगा। नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन, हम कैप हेड के ऊपर पहनते हैं तो हम ग्लव्स कहाँ पहनते हैं? फुट में पहनते हैं, नी में पहनते हैं, हैंड में पहनते हैं? ऑब्वियसली हम ग्लव्स हैंड्स में पहनते हैं, तो थर्ड वन इज एन आंसर। ओके, सो पेरेंट्स इस तरीके से आप अपने बच्चों को प्रैक्टिस कराइए, और जैसे मैंने बोला कि मैं बहुत सारी एक्टिविटीज डाल सकती थी, फिर उस पे क्वेश्चंस पे आपको वर्क करना होता, आपका टाइम जाता, तो बेटर है कि मैं दो दो तीन तीन एक्टिविटी डालूं और उसके साथ उसके प्रैक्टिस शीट भी डालूं, जिससे कि बच्चों को आप मेरी ही वीडियो दिखा के उनको प्रैक्टिस करा दे, आपका अपना टाइम खराब ना हो। ओके पेरेंट्स, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, एंड लाइक द वीडियो इफ यू लाइक दिस। थैंक यू।